हेलो फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, थोड़ा सा उसको समझा था। डेवलपमेंट होता क्या है, ग्रोथ क्या होती है, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफर होते हैं या फिर इनमें क्या कॉमन चीज़ें होती हैं। आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो हमारा डेवलपमेंट होता है हमारा, या किसी चाइल्ड का, किसी भी इंसान का जो डेवलपमेंट होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। ये दिस इज़ ट्रू। डेवलपमेंट जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब किस तरीके से फॉलो करता है, एक पैटर्न मींस, पहले हमारे जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो हम उसमें डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट जो होता है इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, और देन एडोलेसेंस। इस तरीके से कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट। ये स्टेजेस इसी क्रम में चलेंगी जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते के दिन दौड़ने लगेगा। नहीं, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। बच्चा पैदा होगा, पहले खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, तब दौड़ना सीखेगा। तो ये एक पैटर्न है जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं। ये प्रिंसिपल्स जो है एग्जैक्ट है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही कंट्री में फॉलो हुए। ये प्रिंसिपल और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यही प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं हर बच्चे के ग्रो डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, फर्स्ट थिंग, फॉलोज अ पैटर्न। और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम दे देता है और पूछता है। अगर आपको डायग्राम दे रहा है तो ये जो है कंटिन्यूस का डेवलपमेंट का डायग्राम है, और ये है आपका डिसकंटिन्यूस का, मतलब मींस इसमें देखो तोड़ तोड़ कर दिखा रहा है। अब यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट जो है इन्फेंसी से एडल्टहुड तक जो है वो कुछ स्टेजेस में जा रहा है, जो आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से शो हो रही है। लेकिन डिसकंटिन्यूस में वो स्टेजेस में तोड़ तोड़ के आगे जा रहा है। पहले इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस। इस तरीके से वो आगे की स्टेजेस में मूव कर रहा है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यस, दिस इज़ ट्रू। डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। कैसे, हम जब कोई काम करते हैं, अगर हम पहले हम जो है लिखना सीख रहे हैं, तो पहले हम जब पेंसिल को पकड़ेंगे तो अपने पूरी बॉडी के साथ उसको, पूरे अपने हाथ के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल फॉर्म है डेवलपमेंट की। लेकिन जब हम पेंसिल पकड़ना सीख जाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ दो या तीन फिंगर ही इनफ होती हैं उसको पकड़ के लिखने के लिए। यह है हमारी स्पेसिफिक, मतलब जनरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। मीन्स इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज़ ऑलवेज प्रोसीड स्पेसिफिक। जो जनरल एक्टिविटी है वो बाद में क्या हो जाती है, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल लेंस का, तो द फीटस मूव्स इट्स होल बॉडी बट इनकैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब हम फीटस को, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो आपने देखा होगा वो पूरे मतलब हाथ पैर हिलाकर रोता है। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करेगा, उसके जैसे जैसे उसकी बॉडी डेवलप करेगी, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसको रोना है किसी चीज़ के लिए, तो अब वो पूरे हाथ पैर नहीं फेंकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह, मतलब अपने आंसू निकालेगा, या फिर अपने हाथों को उन आंसू को पहुंचने के लिए यूज़ करेगा। लेकिन अब वो पूरी बॉडी का यूज़ नहीं करेगा रोने के लिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। अक्सर कर देखा हो आपने, छः सात महीने तक के जो बच्चे होते हैं, वो जब रोते हैं तो पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, हाथ पैर, मतलब पूरी बॉडी उनकी यूज़ होती है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लेज द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। यस, दिस इज़ करेक्ट। इन्फेंसी की जो स्टेज है वो हमारे लिए किसकी फाउंडेशन रखती है, चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो हमारे लिए किसकी फाउंडेशन रखती है, एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस हमारे लिए किसकी फाउंडेशन रखती है, अडल्टहुड की। मतलब हर स्टेज जो है आपस में
दूसरी स्टेज को कनेक्ट करती है। यही होता है कि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज डेवलप इंडिविजुअल डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ डेवलपमेंट। यस इट इज़ करेक्ट। हर कोई जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन द पैटर्न एंड द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द यूजुअली सेम। ये जो है सेम रहेंगी, पैटर्न और सीक्वेंस। पैटर्न से मीन मतलब बच्चा उसी पैटर्न से फॉलो, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा जिसको सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मतलब पहले इन्फेंसी में आएगा, फिर चाइल्डहुड में, देन अडल्टहुड में। ये एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जो बच्चा डेवलपमेंट है ग्रोथ के टाइम पर फॉलो करेगा। बट द रेट ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी डिफरेंट। हो सकता है कई बच्चे जो है 8 महीने में चलना सीख जाते हैं, कई बच्चों को 1 साल लगता है, कई बच्चे 9 महीने में चलना सीखते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल जो है वेरी कर सकता है। कोई बच्चा जो है जल्दी पढ़ने बैठ जाता है तो वो पेंसिल को जल्दी पकड़ना सीख जाता है, जल्दी मतलब हैंड्स की मूवमेंट करना सीख जाता है। कोई बच्चा जो है वो जल्दी पैर लेना मतलब कि चलने लगता है, रिस्पॉन्स जल्दी देने लगता है। तो ये होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये डिफर कर सकते हैं बट द सीक्वेंस जो है वो सेम ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जल्दी चलना सीख गया तो वो चलने से पहले दौड़ना सीखेगा, नहीं। सीक्वेंस और पैटर्न वही रहेगा, पहले वो चलना ही सीखेगा, खड़ा होना ही सीखेगा। बट हो सकता है एक बच्चे ने वो 8 महीने में सीखा हो, दूसरे बच्चे में वो 1 साल में सीखा हो। ये रेट वेरी कर सकता है बट द पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। दोनों ही बच्चे पहले खड़ा होना ही सीखेंगे। यूँ नहीं है कि जो मतलब जल्दी चलना सीख रहा है तो वो चलना नहीं मतलब वो सीधा दौड़ेगा, उठकर भागेगा, नहीं। वो पहले चलना सीखेगा मतलब खड़ा होना सीखेगा, देन आगे मूव करेगा। ये होता है कि जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफर कर सकता है, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज, बट द पैटर्न ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज इज सेम। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। यस दिस इज करेक्ट। हेट्रोनोमी से ऑटोनोमी की तरफ जो है डेवलपमेंट मूव करता है। हेट्रोनोमी मतलब हम किसी के अधीन है, हमें अपना काम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी हम जब हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, छोटे बच्चे होते हैं फीडिंग के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए, रोने के लिए, सब चीज़ के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, माँ पर डिपेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स पर, गार्जियंस पर जो डिपेंड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो उनको मतलब यानी कि अब उनको भूख लग रही है तो उनको लिए अब रोना ज़रूरी नहीं है। अब वो बोलेंगे अपनी मम्मी को या पापा को तो वो उनको खाना दे सकते हैं। धीरे धीरे वो जैसे बड़े होंगे उस टाइम पर वो अपने आप खाना ले भी लेंगे। तो ये हेट्रोनोमी मीन्स वो किसी के अधीन है। अभी उनको किसी को मतलब किसी के हेल्प की ज़रूरत है, वॉशरूम जाना है तो किसी के हेल्प की ज़रूरत है, टॉयलेट वगैरह के लिए भी हमें पेरेंट्स की जो ज़रूरत होती है। ऑटोनोमी मीन्स हम अपना काम जो स्वयं कर सकते हैं। हम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी चलता है। डेवलपमेंट मीन्स पहले हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है बट धीरे धीरे हम अपने काम को जो है अपने आप करने लगते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। हाँ कह सकते हैं डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल। सुना भी होगा आपने कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो कई बच्चे आपने देखा हो तो गाड़ी को मतलब यानी कि छोटे बच्चे जो रहते हैं गाड़ी लाओ तो उसको तोड़ फोड़ करके वो उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा प्रिडिक्ट कर देते हैं कई लोग कि हाँ भाई बड़ा होकर ये इंजीनियर बनेगा या गाड़ी बनाने वाला बनेगा या मैकेनिक बनेगा, मतलब इस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। इट इज करेक्ट। बेबीज डेवलप डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड टू टो एंड डेवलप इन टू आउट। यस बच्चे जो हैं पहले डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड टू टो, हेड से टो की तरफ जो है डेवलप करते हैं। मीन बच्चा जब अपना बॉडी को डेवलप करेगा तो सबसे पहले अपने हेड पर जो है वो बैलेंस पाएगा। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं सबसे, ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुए 6 महीने बाद वो चलना शुरू करेंगे, नहीं। 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो अपनी गर्दन को पहले मतलब बैलेंस करना सीखते हैं, उसके बाद अपने पूरी बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं। मीन मतलब जो ये डेवलपमेंट है ये उनका हेड टू टो जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। दूसरा डेवलपमेंट जो है वो उनका इन टू
आउट होता है। मींस पहले वो अपने हाथ पर कंट्रोल पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिंगर्स पर, पहले हैंड्स पर कंट्रोल पाएंगे, देन हाथ पर, हथेली पर, देन फिंगर्स पर। तो मतलब इनसे आउटवर्ड, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी जा रहे हैं। इंडिविजुअल फर्स्ट डेवलप जनरल रिस्पॉन्स एंड प्रोसीड टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये हमारा पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यस, हर बंदा, हर बच्चा जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई भी दो बंदे आपस में एकदम बिल्कुल एक्यूरेटली सेम नहीं हो सकते। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है हर बंदे में पाया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन वेरिएबल सच एज एटीट्यूड, वैल्यूज, सेल्फ एस्टीम एंड द रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ए डिग्री ऑफ द एग्रीएबलनेस। मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस जो है हमारा डिफर कर सकता है। हो सकता है अगर कोई बच्चा अमेरिका में रहा हो तो उसकी सोसाइटी, उसका इन्वायरमेंट, उसकी वैल्यूज, उसकी एथिक्स जो है इंडियन बच्चे से थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर किसी को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो आगे प्रोसीड करेगा, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। इट मेक्स अस यूनिक फ्रॉम अदर। हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको दूसरे से क्या बनाता है, अलग बनाता है। हो सकता है आपके घर में आपके मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपके की मतलब घर में कोई जो दादी वादी हूँ नहीं बना पाती हूँ, तो ये उनकी स्पेशलिटी है, उनको मतलब यूनिक बनाती है कि वो खाना बनाती है। आपकी मम्मी खाना बनाने के साथ और भी कुछ, कोई ऐसा काम हो कढ़ाई बुनाई का जो वो बहुत अच्छे से करती हूँ, या फिर हो सकता है आपकी मम्मी कोई इंजीनियर हो या फिर किसी अच्छी फील्ड में वर्क कर रही हो, तो ये उनको यूनिक स्पेशलिटी है, मतलब यानी कि जो उनको सबसे अलग बनाती है, ये होती है, मतलब एक यूनिक फॉर्म होती है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट होता है और ये वेरी ही करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम मिस भी नहीं कर सकते हैं। फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव, ये तीनों जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, मतलब हमारा इंटेलिजेंस जो है वो भी इफेक्ट होगी। अगर हमारा सोशल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा और कॉग्निटिव भी। अगर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो हमारा सोशल भी इफेक्ट करेगा और फिजिकल भी। किस तरीके से, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं मिली तो हो सकता है हम उतना न्यूट्रिशंस वगैरह पर अपना ध्यान ना दें, उतनी एक्टिविटी ना कर पाए, उसी बात में खोए रहें। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो है क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी इनटू या फिर मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में हेरिडिटी का जितना रोल होता है उतना ही एनवायरनमेंट का होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ मिला ही नहीं है। नहीं, हेरिडिटी से जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो मिलता है वो सब हमारा हेरिडिटी में आता है। जो हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स जो से जो हमें मिलता है वो हमारा हेरिडिटी में। एनवायरनमेंट को हम एक्वायर कर सकते हैं। हो सकता है आज मैं किसी विलेज में हूँ तो कल मैं किसी सिटी में चली जाऊँ, आज मैं इंडिया में हूँ तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हूँ, मैं आज किसी दूसरी कंट्री में चली जाऊँ तो एनवायरनमेंट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक जॉइंट प्रोडक्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है। अब हालांकि सीटेट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा डिफरेंट पूछेगा और थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा, इससे ज़्यादा हद से हद और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा। ए चाइल्ड्स जेनेटिक इनहेरिटेंस डेट इज हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द मैनी फिजिकल एंड पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, कल्चर एंड फैमिलियर वेरिएबल डेट इज इन्वायरमेंट। जो हमारे सोशल, कल्चर और फैमिलीज के जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हमें मतलब
इन्वायरमेंट वो हमारे किस में आते हैं, इन्वायरमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आर डेवलपमेंट, ये भी हमारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ईच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन स्टेजेस, यस दिस इज़ ट्रू, डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में होगा, ऐसा नहीं है जो बच्चा पैदा हुआ तो वो कल को बड़ा होकर डायरेक्ट हमारा जो एडोलेसेंस में जाएगा, नहीं, प्रीनेटल स्टेज होगी, मतलब जन्म से पहले की जो अपने माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो 9 महीने का जो पीरियड है वो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, वो स्टेज होगी। इन्फेंसी और टोटलहुड, मतलब जब बच्चा टोटलरहुड, जब बच्चा घुटने पर चलना सीखता है, हम ये उस स्टेज को बोलते हैं। अब जो है CBSE या CTET जो है अब इसी तरीके से लैंग्वेज घुमा कर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस बाकी कुछ नहीं है, सेम रहेगा। अगर आपने वो एक दो बार रिवाइज़ किया होगा या पढ़ा होगा तो बहुत ही इजीली आप उसको क्वेश्चंस को कर पाओगे। अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड, हमारे काम का जो है सिर्फ एडोलेसेंस तक रहेगा, उसके बाद के डेवलपमेंट में हमें नहीं जाना है। ये थी हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सबको एकदम डिटेल में जो है हम उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे। तो फिर अगेन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।